जी, सी एस एस मीडिया क्यूरीज। सी एस एस टू का हमने कल थोड़ा सा पढ़ा था कि मीडिया रूल इंट्रोड्यूस्ड हुआ था, लेकिन उसमें डिफरेंट मीडिया टाइप्स के अकॉर्डिंगली। सी एस एस थ्री में क्या हुआ, मीडिया क्यूरीज को इंट्रोड्यूस किया, लेकिन विथ और हाइट ऑफ द वी पोर्ट, विथ एंड हाइट ऑफ द डिवाइस, ओरिएंटेशन लैंडस्केप है या फिर पोर्ट्रेट मोड है, और रेजोल्यूशन के अकॉर्डिंगली। ब्राउजर सपोर्ट है क्रोम 21.0, 9.0 और इस तरह आपको पता लग जाएगा। मीन्स के लेटेस्ट जितने भी हैं वो सारे सपोर्ट करते हैं। आप कोई विंडोज़ 98 यूज़ कर रहा हो उसमें हमारा तो नहीं कसूर, ठीक है। मीडिया क्यूरी सिंटैक्स है। अच्छा, इसके लिए लिंक रिलेशन स्टाइल शीट और HRF में हम उसको बताते हैं उसका पाथ, ठीक है। मीडिया एक और एट्रीब्यूट, मीडिया टाइप एंड नॉट ओनली एक्सप्रेशंस, मीन्स कि आपने किसके लिए अलाउ करना है। अगर आप ये यूज़ ना करें तो इसका मतलब होता है सारों के लिए, ठीक है। हमारे पास डिफरेंट डिवाइसेस हैं मीडिया टाइप्स। प्रिंट सिर्फ प्रिंटर्स के लिए, मीन्स कि आपकी वेबसाइट जो है जिस तरह एग्जाम्स रिलेटेड है उसमें क्वेश्चन आंसर होते हैं तो वो प्रिंट हो सकती है, आपकी वेबसाइट प्रिंट हो सकती है, आपका ये पूरा वेब पेज सिंगल एक क्लिक पे प्रिंट हो सकता है, ठीक है, जावास्क्रिप्ट की मदद से। तो प्रिंट के लिए आपने क्या स्टाइलिंग रखनी है आप अलग से बता सकते हैं। मीन्स कि ये तो वेब व्यू है ना, इस तरह आप इसको प्रिंट करेंगे तो प्यारा तो नहीं लगेगा। अगर वही आप स्टाइलिंग प्रिंट के लिए करें, बुक शेप में उसको स्टाइल कर दें, तो वो सिर्फ सिर्फ प्रिंटर के लिए काम करेगा। स्क्रीन, जो आपकी स्क्रीन नज़र आ रही है, ठीक हो गया। और स्पीच है, स्क्रीन रीडर्स डैट रीड्स द पेज आउट लाउड, जिस तरह ई रीडर डिवाइसेज होती हैं। हमने शुरू में पढ़ा था कि HTML जो है अक्सर जो ब्लाइंड पीपल हैं वो देख नहीं सकते हैं, तो वो फिर सुन रहे होते हैं, तो जो सुन रहे होते हैं उनके लिए फिर ये डिवाइसेज होती हैं, तो आप उनके लिए फिर अलग से स्क्रीन रीड कर सकती हैं। तो जी, मीडिया क्यूरीज सिंपल एग्जांपल। अच्छा, मीडिया क्यूरीज का कोड जो है ना हमेशा लास्ट पे आता है, ठीक है, टॉप टू बॉटम। अभी देखें बॉडी बैकग्राउंड कलर क्या है, पिंक, लेकिन यहाँ पे कलर क्या है, ठीक है, लाइट ग्रीन है। अब इसका कोड क्या होगा मीडिया क्यूरी यूज़ करने के लिए, सबसे पहले एट मीडिया, ठीक है, एट द रेट मीडिया स्क्रीन, ये सिर्फ स्क्रीन के लिए। एंड एंड के बाद अगर आप कुछ और लिखेंगे जिस तरह प्रिंट, तो वो प्रिंट के लिए भी काम करेगा। अगर कुछ नहीं लिखेंगे तो सिर्फ स्क्रीन के लिए। सर, स्क्रीन के लिए क्या मतलब? कंप्यूटर की स्क्रीन, टैबलेट, स्मार्टफोन्स वगैरह, जिस तरह ये आपकी चीज़ है, लैपटॉप सिस्टम, कंप्यूटर, स्मार्टफोन यूज़ कर रहे हैं, तो उसमें जो स्टाइलिंग होगी वो स्क्रीन के लिए होगी। प्रिंट करेंगे तो प्रिंटर के लिए, स्पीच करेंगे तो स्पीच डिवाइसेस के लिए। एट मीडिया स्क्रीन, सिर्फ स्क्रीन के लिए। मिनिमम विथ, इसका क्या मतलब है, कम से कम विथ हो, कितनी हो, 480 पिक्सल, ठीक है। कम से कम जब विथ इतनी हो, कर्ली ब्रेसेस। अब इसके अंदर आपने जो भी कोड करना है वो अप्लाई तब होगा जब स्क्रीन की विथ कम से कम 480 पिक्सल होगी, ठीक है। यहाँ पर आप बॉडी को ही टारगेट करें, बैकग्राउंड कलर लाइट ग्रीन है तो लाइट ग्रीन, ठीक है। आप इसको अवश्य ख़त्म करते हैं, या फिर सेम कोड ही लिखा है इसको ख़त्म कर दें आप, तो कोड हमारा टॉप टू बॉटम वर्क करता है। सबसे पहले बैकग्राउंड कलर क्या हुआ, पिंक हुआ, उसके बाद मीडिया क्यूरी चली, उसमें वो देख रहा है कि स्क्रीन पे अप्लाई होगा सिर्फ, और कम से कम विथ जब 480 पिक्सल्स होगी तो तब ये इसके अंदर का कोड एग्जीक्यूट होगा। तो अभी स्क्रीन की साइज़ जो है, स्क्रीन साइज़ है ये आपको पता लग रहा है यहाँ पर 493 पिक्सल, ठीक है, सॉरी 793। जैसे ही आप 480 पिक्सल से कम आते हैं, ये आपका कोड एग्जीक्यूट होगा जब स्क्रीन की विथ कम से कम 480 हो, मींस के 480 और उससे अबव। तो इस टाइम 480 से अबव है, जैसे ही आप 480 पे आते हैं तो
ये आपका 480 तक, ठीक है। जैसे ही 480 से कम में जाएंगे तो ये आपका कलर पिंक हो गया, जो बाय डिफ़ॉल्ट कलर पिंक है। इसके बाद आप मज़ीद मीडिया क्यूरीज लगा सकते हैं, ऐड मीडिया स्क्रीन एंड, अगर स्क्रीन की जगह आल लगा दें तो भी कलर चेंज होगा जी, तब सारों में हो जाएगा, प्रिंट के उसमें भी होगा, स्पीच डिवाइसेस में भी होगा। कम से कम विथ 480 पिक्सल, ठीक है, कम से कम मीन्स के कम अज़ कम विथ इतनी हो, उससे अबव जितनी मर्जी हो, ठीक है, कम अज़ कम 480 हो, उससे मतलब अबव जो होगा वो लाइट ग्रीन रहेगा, वो लाइट ग्रीन रहेगा। 480 से बिलो जैसे ही जाएगा वो पिंक ही आ जाएगा दोबारा, क्योंकि ये कोड एग्जीक्यूट नहीं होगा। मिनिमम विथ हो जाए इसकी 360 पिक्सल, बॉडी बैकग्राउंड कलर इसको आप ग्रीन कह दें, रन करें तो अब देखें कलर आपका ग्रीन, कम से कम विथ कितनी है 360, 360 से नीचे आप जाएंगे तो पिंक हो जाएगा, ठीक है, उससे अब आए तो ये आपका ग्रीन, इससे अप चले जाएं, इसने हमेशा ग्रीन रहना है, क्यों रहेगा, टॉप टू बॉटम एग्जीक्यूट हो रहा है ना, तो अब ये आपकी क्यूरी जो है ये नीचे आएगी, ठीक है, रन करें तो ये देखें लाइट ग्रीन। जैसे ही आप 480 से बिलो जाते हैं 362 479 पिक्सल, 362 479 पिक्सल बॉडी का कलर बैकग्राउंड कलर ग्रीन हो जाएगा, ग्रीन, यस सर, उससे बिलो जाएंगे 360 से बिलो तो आपका कलर पिंक हो जाएगा। ये तो सिर्फ बॉडी है, आप इसी तरह कलर चेंज कर सकते हैं, ठीक है, कलर आप वाइट कर दें, रन करें तो ये आपका कलर भी मीन्स के इसके अंदर, इस कर्ली ब्रेसिस के अंदर आप जो भी कोड करेंगे वो वर्क करेगा। सी एस एस का है, एक्सटर्नल में इंटरनल नहीं, ओ इन लाइन नहीं होगी आपकी मीडिया क्यूरीज, ठीक है, इंटरनल और एक्सटर्नल पॉसिबल है। सर इसका यूज क्या होगा वेबसाइट में, इसका यूज हमने देखा था, यूजर इंटरफेस आपका इंटरफेस चेंज हो रहा है ना, नहीं वो यूजर के एक्सपीरियंस के लिए ना, एक्सपीरियंस भी कह सकते हैं, एक्सपीरियंस तो अच्छा तब भी होना ना जब इंटरफेस अच्छा होगा, इंटरफेस आपका सिर्फ इंटरफेस को चेंज करता है, एक्सपीरियंस होता है कि यूज़र ने, लेट सपोज आप इंटरफेस तो चेंज कर रहे हैं और आप कार्ट जो है या ऑर्डर नाउ का बटन जो यूज़र जिस मकसद के लिए आया है वो आप बटन ही गायब कर देते हैं तो वो एक्सपीरियंस बैठ जाएगा। ओके जी, इस टाइम ये डेस्कटॉप व्यू, आप जैसे ही स्मॉल स्क्रीन में आते हैं, अच्छा इनकी वेबसाइट वैसे नहीं रिस्पॉन्सिव है, इन्होंने मोबाइल ऐप भी बनाई हुई ना, तो वो कहते हैं कि मोबाइल में जाओ डायरेक्ट, नहीं मेडिकल नहीं होनी चाहिए इसमें, आप जाएं मतलब क्रोम पे चला रहा हो उसको, ऐप नहीं चला रहा है, मैं वही कह रहा हूँ, अब नहीं, अब अगर आप इसको रिफ्रेश करें तो ये आ गया व्यू, रिफ्रेश करने पे चेंज होगा इसका जी। तो अब देखें ये इसका मोबाइल व्यू, ठीक है, ये आपका टॉप पे ये आ गया, आपका सर्च बार है और अब इस टाइम देखें इसमें एक रो है और उसमें दो कॉलम, ठीक है, 50-50% के,
यही आप मोबाइल व्यू से ख़त्म करें और इसको रिफ्रेश करें तो ये इसका डेस्कटॉप व्यू आ गया। तो ये मीडिया क्यूरीज की मदद से पॉसिबल है। क्या अब इसमें इस कंटेनर के अंदर आपके पास चार कॉलम है 25% ईच, ठीक है। उसी तरह आप सीरत की वेबसाइट में आ जाएं, इस टाइम यहाँ पर तीन कॉलम्स, एक में आप जैसे ही इस टाइम ये लार्ज स्क्रीन है, आप मीडियम स्क्रीन में आए तो ये आपके 50-50% के होके, आप स्मॉल स्क्रीन में जाएं तो ये आपका 100% का हो जाएगा। ये सारी चीज़ें मीडिया क्यूरीज की मदद से पॉसिबल है। यहाँ पे भी सेम वही चीज़ अप्लाई हो रही है। आपके एक रो में तीन, जैसे ही आप स्मॉल स्क्रीन में आते हैं, अच्छा इसमें मीडियम में भी हमने तीन ही रखा है, ठीक है, क्योंकि दो और फिर नीचे एक आ जाता है, तीन चीज़ है ना, तो एक नीचे अकेला अच्छा नहीं लगता है, तो इस वजह से मीडियम में भी तीन और स्मॉल में जाके ये एक आ जाएगा 100%। स्क्रीन मीडियम हो तो उस टाइम ये सिंगल एक ना नीचे जाए, सब अलग अलग हो जाए तीनों, लेकिन फिर ये वाली स्क्रीन खाली हो जाएगी, वही ना, काफ़ी स्पेस रह जाएगी। सर अगर लास्ट वाला सेंटर में करते हैं नीचे वो भी पॉसिबल है, लेकिन वो अकेले ही रह जाएगा ना। अच्छा इसमें मज़ीद आपकी चीज़ें मैं आपको दिखाता हूँ, शायद मैंने दिखाया था। इस टाइम लार्ज स्क्रीन में देखें आपको ये सारी चीज़ें नज़र आ रही हैं, टॉप पे सोशल आइकन वगैरह, एड्रेस नंबर और लिंक्स वगैरह भी सारे ही। अब जैसे ही स्मॉल स्क्रीन में मीडियम में आते हैं तो ये देखें यहाँ से चीज़ें चेंज हो गई और यहाँ पे लिंक सारे ख़त्म हो गए, आपका ये चीज़ आ गई, ठीक है। मोबाइल व्यू टैबलेट, ये टैबलेट व्यू है बेसिकली। और स्मॉल स्क्रीन में आते हैं तो अब देखें आपके वो लिंक्स भी ख़त्म हो गए और सिर्फ आपके पास सोशल मीडिया आइकन्स रह गए, तो आप ये सारी चीज़ें फिर कर सकते हैं। उसी तरह आपके यहाँ पर बटन है, ये बटन नज़र आ रहा है। हम चाहते हैं कि जैसे ही ये स्मॉल स्क्रीन में आए तो ये नज़र ना आए हमें, तो फिर हम क्या करेंगे, स्मॉल स्क्रीन आपका ये यहाँ पे जाके बटन, सॉरी डिस्प्ले बॉडी बटन डिस्प्ले नन कर दो, रन करें तो 360 के बाद ये बटन नज़र नहीं आएगा। जी 360 के बाद ही आपका बटन ही नज़र आएगा, ठीक है। सिर्फ 362.479 हम चाहते हैं। अभी क्या होगा, ये किसी में भी नज़र नहीं आएगा क्योंकि कम से कम विथ है ना, उसके बाद का तो हमने कोड लिखा ही नहीं है। कम से कम विथ मतलब बटन डिस्प्ले नानो जब कम से कम विथ इसकी 360 पिक्सल हो, हम चाहते हैं कि 480 पिक्सल जब आए या उससे अबव हो तो उसमें बटन आपको नज़र आ जाए, तो फिर हम क्या करेंगे, अगर डिस्प्ले नन हो और उस एलिमेंट को दिखाना हो तो फिर हम क्या करते हैं, डिस्प्ले ब्लॉक करते हैं, रन करें तो ये देखें अब आपको इस व्यू में नज़र आएगा 482 अबव, लेकिन 362.479 में ये बटन ही नज़र आएगा आपको। इसमें आप आए 360 से बात कर नज़र नहीं आया, वो तो समझ आ गया।
अंदर कॉमा, अंदर एच वन कॉल वन, टू कॉलम थ्री, स्टाइल्स में स्टाइल डॉट सी एस एस यूनिवर्सल सिलेक्टेड, मार्जिन जीरो, हेडिंग जीरो, बॉक्स साइजिंग, बॉर्डर बॉक्स आपका, बैकग्राउंड कलर बॉडी का, बैकग्राउंड कलर एक्वा रखें, बैकग्राउंड कलर आपका एक्वा, हेडर में नेव अनऑर्डर लिस्ट एलआई, एंकर टैग इंडेक्स डॉट एचटीएमएल, ये आपका होम अबाउट चीज़ें आपकी होम अबाउट कॉन्टैक्ट कॉलम कॉलम वन टू और थ्री। इस टाइम बैकग्राउंड कलर इसका एक्वा, एड मीडिया स्क्रीन एंड मिनिमम विथ जब हो फोर एटी पिक्सल। ये कोड सेमीकोलन नहीं है, के बाद सेमीकोलन नहीं है, इसमें नहीं आएगा। एट मीडिया स्क्रीन मिनिमम विथ 480 पिक्सल, जब कम से कम विथ हो 480 पिक्सल। बॉडी बैकग्राउंड कलर ब्लैक, कलर कर दें वाइट। एट मीडिया स्क्रीन एंड मिनिमम विड्थ जो है वो आप कर दें 360 पिक्सल। बैकग्राउंड कलर ग्रे और कलर चले वाइट ही रहने दें। अब देखें कोड टॉप टू बॉटम, बॉडी का बैकग्राउंड कलर क्या होगा एक्वा। उसके बाद वह नीचे कोड को देखेगा कि स्क्रीन डिवाइस को सिलेक्ट किया जा रहा है और जब कम से कम विथ हो 360 पिक्सल, तो बॉडी का बैकग्राउंड कलर क्या कर दो ग्रे। मींस के 360 से पहले कलर क्या होगा एक्वा, जैसे ही 360 पिक्सल जाएगा तो कलर बैकग्राउंड कलर ग्रे हो जाएगा। नीचे वो जैसे कोड को रीड करता है वो कहता है कि ऊपर था कम से कम 360 पिक्सल, नीचे आके देखा तो कम से कम विथ जो वो 480 पिक्सल, तो बॉडी का बैकग्राउंड कलर ब्लैक। तो कम से कम विथ जब 480 से अबव हो, ठीक है 480 और उससे अबव हो तो बैकग्राउंड कलर ब्लैक। जैसे ही 360 to 479 तो बैकग्राउंड कलर ग्रे, और 360 से जैसे ही नीचे जाएगा तो बैकग्राउंड कलर एक्वा हो जाएगा। ये आपका ग्रे सॉरी ब्लैक, जैसे ही आप से नीचे गए तो ये आपका ग्रे, और 360 से बिलो जाएंगे तो ये आपका एक्वा हो जाएगा। हम चाहते हैं कि स्मॉल स्क्रीन में ये पैराग्राफ ही हाइड हो जाए, फुटर हाइड हो जाए, तो हमने क्या करना है मिनिमम विड्थ अच्छा बॉडी यहाँ पर आप कर दें डिस्प्ले
नन, ठीक है। डिस्प्ले नन का मतलब मीडिया क्वेरी के बगैर कोई भी स्क्रीन साइज हो डिस्प्ले नन रहेगा। हम कहते हैं कि कम से कम भी जब 360 पिक्सल्स हो तो वो फुटर आपका जो है, अच्छा डिस्प्ले बॉडी को नहीं फुटर को डिस्प्ले नन करते हैं, और जैसे ही मिनिमम विड्थ 360 पिक्सल्स हो तो आपका फुटर डिस्प्ले ब्लॉक हो जाए। तो हाइट हो गया, जैसे ही आप इस 360 पिक्सल तक पहुंचेंगे तो आपको फुटर नज़र आ जाएगा। सर ये अपनी जगह छोड़ देता है या? जगह छोड़ देता है, डिस्प्ले नन जगह छोड़ देता है और अबव तक ये रहेगा। ये था सिर्फ मिनिमम विड्थ वाला फिलहाल। इसमें अब देखें, ये आपकी चीज़ें रिस्पॉन्सिव इस तरह बनती हैं। ये आपका मेन्यू आइटम, ठीक है। जब स्क्रीन साइज ज़्यादा हो तो साइड बार लेफ्ट पे और आपका कंटेंट राइट साइड पे इस तरह आता है। जैसे ही आप स्मॉल स्क्रीन में जाएंगे तो हमारे मेन्यू आइटम्स जो हैं वो टॉप पे नज़र आ जाने चाहिए और कंटेंट आपका उसके नीचे आ रहा हो। तो आप स्मॉल में जाएं तो ये देखें, वो आपका मेन्यू आइटम ऊपर आ गया और ये आपका कंटेंट उसके नीचे आ गया जी। अब देखें हो क्या रहा है। रैपर क्लास मिली हुई है, ये रैपर क्लास हम उसको उठाते हैं। आपके पास एक डिव क्लास क्या मिली है, रैपर, उसके अंदर एक और डिव आईडी, उसको लेफ्ट साइड बार, और लेफ्ट साइड बार के बाद एक डिव है जिसको आईडी मिली है मेन, जिसमें आपका कंटेंट नज़र आता है। अब यहाँ पर आपके पास कोड रैपर ओवरफ्लो क्या करो, हटो कर दो, हैश टैग मेन, मेन को क्या करो मार्जिन लेफ्ट 4 पिक्सल सेव करें। तो ये आपका मार्जिन लेफ्ट आपका 4 पिक्सल यहाँ से, ठीक है। लेफ्ट साइड बार फ्लोट क्या रखो जी, नहीं मार्जिन लेफ्ट 4 पिक्सल आपका पहले ही साइड बार आ रहा है ना, लेफ्ट साइड बार, ये लेफ्ट साइड बार, उसके बाद ये कोड। अगर आप ये स्टाइल में से मार्जिन लेफ्ट 4 पिक्सल ख़त्म कर दें रैपर के अंदर क्यों लिखा है? नहीं जी सर, रैपर वाला भी यूज किया, ओवरफ्लो ऑटो किया मैंने, वो हम उसको नहीं कर सकते लेफ्ट साइड बार। रैपर में दोनों चीजें हैं आपकी? यस सर। तो अगर किसी को करना है ये लेफ्ट साइड बार वाले को, दो डिव ना बनाए एक डिव बनाए, मतलब सर अभी दो डिव बनाए हैं ना हमने, लेफ्ट साइड बार है यस सर और मेन है, नहीं रैपर, रैपर वाला भी और लेफ्ट साइड बार वाला भी है, ये दो हैं। अगर रैपर वाला नाम ना है आउटर डिव खत्म कर दें तो एक ही डिव रहे उसके अंदर अंदर का दिशो, ऐसे भी रन होने का। मैं आपकी बात नहीं समझा सर, ये रैप, मैं कह रहा हूँ ये रैपर वाला अगर खत्म कर दें, ये डिव खत्म कर दें तो फिर भी कोड एग्जीक्यूट होगा ना ऐसे ही। यहाँ पे ना रैपर नीचे जाके रैपर ओवरफ्लो ऑटो, सिर्फ ओवरफ्लो ऑटो ही कर रहा है और तो कुछ भी नहीं कर रहा, खत्म भी कर दें तो लेफ्ट साइड बार जी ओवरफ्लो ऑटो कर दें। हाँ जी ओके जी, ये आपकी चीज़
मेन को मार्जिन लेफ्ट 4 पिक्सल वक्ती तौर पर दिया है, लेफ्ट साइड बार फ्लोट नन विद ऑटो। अच्छा कोड जो है ना आपका, ये मीडिया स्क्रीन से हम रीड करते हैं, ठीक है। मिनिमम विथ जब वो 480 पिक्सल्स, तो इस टाइम मिनिमम विथ 480 पिक्सल्स है, कम से कम 480 है ना, उससे बाबी कोड है हमारा। लेफ्ट साइड बार, ठीक है, लेफ्ट साइड बार आपका, ये लेफ्ट साइड बार विथ उसकी क्या रखी है 200 पिक्सल, ये आपका 200 पिक्सल्स। और फ्लोट क्या कर दिया लेफ्ट, तो ये फ्लोट लेफ्ट की मदद से आपका कंटेंट जो है लेफ्ट साइड पे आ रहा है और टेक्स्ट आपका ये राइट साइड पे आ गया। अगर आप फ्लोट लेफ्ट ख़त्म करते हैं तो ये नीचे आ रहा है, ठीक है, क्योंकि डिस्प्ले ब्लॉक है ना। मेन आपका मार्जिन लेफ्ट, मार्जिन लेफ्ट 216 पिक्सल, अगर आप ये ना करें तो ये आपका फ्लोट भी ख़त्म करें, जी ठीक है, मार्जिन लेफ्ट आपका यहाँ से लेकर यहाँ तक 216 पिक्सल्स। उसके बाद जैसे ही स्क्रीन स्मॉल में आए, 480 पिक्सल से कम हो जाए, कम हो गया, मेन आपका मार्जिन लेफ्ट 4 पिक्सल्स कर दो, 4 पिक्सल्स कम हो गया ना, पहले बस 216 था। लेफ्ट साइड बार फ्लोट क्या कर दो नन, फ्लोट नन जैसे होगा तो आपकी ये चीज़ बन गई। विथ उसकी कर दो ऑटो, कि ऑटोमेटिकली विथ अब सेट हो जाए, तो ऑटो का मतलब विथ 100%, मेन्यू लिस्ट जो है मार्जिन ज़ीरो पैडिंग ज़ीरो, ठीक है। मेन्यू आइटम ये वैसे ही हर स्क्रीन में ही अप्लाई होगा, बैकग्राउंड कलर उसमें भी यही था, बॉर्डर, बॉर्डर रेडियस, लिस्ट स्टाइल टाइप नन, मार्जिन 4 पिक्सल और पैडिंग 2 पिक्सल। पैडिंग से क्या हो रहा है, टॉप बॉटम लेफ्ट साइड से पैडिंग मिल रही है, यही मेन्यू आइटम को 1 को सेंटर में लाना होगा, इधर ही मेन्यू आइटम इन सारों को, जी यहाँ पे आप टेक्स्ट लाइन सेंटर करते हैं, ये सेंटर में आ जाए। पैडिंग आपका 2 पिक्सल, ये अगर ख़त्म करें तो पैडिंग ख़त्म, मार्जिन अगर ख़त्म करते हैं तो आपका वो सारे एलिमेंट्स एक साथ जुड़ जाते हैं। लिस्ट स्टाइल टाइप नन करने से, वो वैसे भी नन ही है क्योंकि हमने ऊपर मार्जिन ज़ीरो पैडिंग ज़ीरो कर दिया। बॉर्डर रेडियस 4 पिक्सल, इससे क्या हो रहा है वो एजेस कर्व हो रहे हैं, ठीक है, अगर आप ये कर दें तो आपके ये एजेस बन रहे हैं, कॉर्नर्स बनते हैं। बॉर्डर दिया हुआ है 1 पिक्सल सॉलिड ग्रे कलर, ये ख़त्म करें तो बॉर्डर ख़त्म, और बैकग्राउंड कलर ये दिया है, अगर ये कर दें तो बैकग्राउंड आपका वाइट हो जाता है। तो इस मदद से आपकी वेबसाइट रिस्पॉन्सिव बनती है, ठीक है। मिनिमम अभी सिर्फ ये मिनिमम विथ पड़ा है, अभी तो मैक्सिमम विथ है। मीडिया क्वेरी की एग्जांपल्स सर, मुझे कॉलम वाला आपने पिछले क्लास में पढ़ा था, मैक्स विथ मैक्सिमम विथ, वही यहाँ पर यूज होगा, नहीं वो यही वाली स्क्रीन पे यूज होगा, वो स्क्रीन के लिए उसी में यूज होना है। अभी हमने करना है, हमने कहाँ पर रखा था, ओके जी, सी एस एस मीडिया क्यूरीज, लेट अस लुक एट सम मोर एग्जांपल्स ऑफ यूजिंग मीडिया क्यूरीज। मोबाइल डिवाइसेस, टैबलेट पीसीज और लैपटॉप स्क्रीन्स वगैरह। बॉडी का बैकग्राउंड कलर क्या करो, टैन कलर, ऐड मीडिया स्क्रीन एंड अब आ गया आपका मैक्स, ठीक है। ऑन स्क्रीन्स डेट आर 992 पिक्सल्स और लेस, मिनिमम विथ हमने क्या पढ़ा था
कि कम से कम जब इतनी भी तो उससे अबव जितनी मर्जी हो, ठीक है। मैक्स विथ का मतलब कि ज़्यादा से ज़्यादा 992 हो, उससे कम जितनी मर्जी हो, ठीक है। ये डिफरेंस है सर, अगर 992 से ज़्यादा होगी तो हमने जो कोड ऊपर लिखा है वो काम करेगा। तो बेसिकली आपका काम ये करता है ज़्यादा, मैक्स विथ वाला मिनिमम विथ नहीं इतना काम करता, मैक्स विथ काम करता है। उसके बाद एट मीडिया स्क्रीन एंड मैक्स विथ 600 पिक्सल, बॉडी का बैकग्राउंड कलर क्या करो ऑलिव। अब क्या होगा, 1 पिक्सल से लेकर 600 पिक्सल तक बैकग्राउंड कलर ऑलिव, 601 से लेकर 992 तक बैकग्राउंड कलर ब्लू, 993 से लेकर अबव जितना मर्जी हो तो वो आपका बैकग्राउंड कलर टैन बन जाएगा। तो अब मिनिमम की बजाय आप यहाँ पे करें मैक्स विथ 992 पिक्सल, यहाँ पे भी मैक्स विथ, और इसको आप करें 600 पिक्सल, और एट मीडिया स्क्रीन एंड मैक्स विथ 360 पिक्सल, बॉडी बैकग्राउंड कलर ब्लू वायलेट, और कलर वाइट करता हूँ। ओके जी, अब ये कोड देखिए, बॉडी का बैकग्राउंड कलर हमने क्या किया एक्वा। उसके बाद मीडिया स्क्रीन में हम कह रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा विथ कितनी हो 992 से बिलो जितना भी स्क्रीन का साइज़ है, बॉडी का बैकग्राउंड कलर क्या हो ग्रे, मींस के 992 से कम, 992 और उससे कम। लेकिन नीचे जैसे ही पोर्ट जा रहे हैं वो देखेगा 600 पिक्सल भी आ गया आपका, तो अब वो कहेगा कि 992 से लेकर 601 तक ये वाला कोड अप्लाई है, और 600 पिक्सल से लेकर बिलो, ठीक है, बैकग्राउंड कलर ब्लैक रहे। नीचे हम दोबारा से मैक्स विथ लगा रहे हैं, मींस के 361 से लेकर 600 तक ये काम करेगा, और बैकग्राउंड कलर फिर आपका 1 पिक्सल से लेकर 360 पिक्सल तक ब्लू वायलेट। ये आपका ब्लू वायलेट, ठीक है, आपका सबसे पहले ब्लू वायलेट 1 पिक्सल से लेकर 360 पिक्सल तक। उससे आप अबव करें 360 1 पिक्सल पे हैं तो बैकग्राउंड कलर आपका क्या होगा सिक्स हंड्रेड पिक्सल से अबव जब जाएगा तो बैकग्राउंड कलर आपका ग्रे हो जाएगा, ये आपका ग्रे हो गया, ठीक है। उससे आप अबव जाएंगे तो बैकग्राउंड कलर आपका एक्वा होगा, तो आपका बैकग्राउंड कलर एक्वा हो गया। स्मॉल में आए ग्रे ब्लैक ब्लू वायलेट, टॉप पे फुल बॉडी में, मीन्स के 992 से अबव जितना भी होगा वो बैकग्राउंड कलर एक्वा ही रहेगा। जी क्लियर है ये। अब हम रहते हैं कॉलम में कि कॉलम की स्टाइलिंग किस तरह की जाती है। स्टाइल डॉट सी एस एस बॉडी, आपके कॉलम जो है की विथ कर को 33.33% और फ्लोट क्या कर दो लेफ्ट हो जाएगा। सेव करें तो ये आ गया आपका,
ठीक है, कॉलम की हाइट करें आप 200 पिक्सल्स, बैकग्राउंड कलर वाइट का वाइट। अच्छा, इस कॉलम के अंदर ये जो आप ले रहे हैं डॉट कार्ड, ठीक है, कॉलम के अंदर एक कार्ड और कार्ड के अंदर H1 आपका आ गया। कॉलम टू, कॉलम थ्री। अब बैकग्राउंड कलर हम उसको नहीं देते हैं, डॉट कॉलम के अंदर जो कार्ड है, ठीक है, बैकग्राउंड कलर इसको दे दो। सेव करें, इफेक्ट कुछ भी नहीं पड़ा। हाइट आप कार्ड को दे दें, सेव करें। तो मैं आपको बताता हूँ, बैकग्राउंड कलर हमने वाइट कर दिया और हाइट 200 पिक्सल किसकी की है, जो कॉलम के अंदर कार्ड है, ठीक है। अब हम कॉलम का देंगे पैडिंग 24 पिक्सल। कॉलम को भी हाइट दी थी तो फिर भी वो एग्जीक्यूट हो रहा था जी, वही चीज़ थी जब कॉलम को भी हाइट दी थी। वो तो थी, मैं आपको समझाता हूँ। पैडिंग अब आप करें 24 पिक्सल, सेव करें। तो अब देखें स्पेसिंग आ गई, ठीक है। हालांकि कॉलम आपका यहाँ से लेकर यहाँ तक है, ठीक है, और सेकंड कॉलम आपका यहाँ से लेकर यहाँ तक और थर्ड यहाँ से लेकर एंड तक जा रहा है। पैडिंग की वजह से आपकी स्पेसिंग आ गई है। कार्ड आप चारों तरफ से, बॉर्डर रेडियस आप इसको करते हैं 8 पिक्सल्स, रेडियस आ गया आपका 4 करेंगे तो 4 पिक्सल्स हो गया। कॉलम कार्ड के अंदर टेक्स्ट लाइन सेंटर करें, सेंटर में आ गया। वर्टिकली सेंटर में लेकर आना हो तो फिर हम क्या करेंगे, लाइन नहीं नहीं लाइन आइटम ही, लाइन हाइट कितनी देंगे, जितनी जितनी हाइट है, ठीक है, जितनी हाइट है 200 पिक्सल्स करेंगे। अगर एक सिर्फ लाइन हो तो फिर ये एग्जीक्यूट होता है। तो ये आपका वर्टिकली सेंटर में आ गया। इसको अगर आपने शेडो अप्लाई करना है कार्ड को, तो हमारे पास सर, अगर एक लाइन से ज़्यादा हो फिर वो आपका नेक्स्ट लाइन में मीन्स के इसके भी आगे चला जाएगा। आप कॉलम थ्री ऐड कर दें, मैं मुझे कॉपी कर लूँ। तो ये देखें लाइन हाइट यहाँ से लेकर यहाँ तक 200 पिक्सल्स है। इस वजह से जब एक ही लाइन हो फिर ये अप्लाई किया जाता है। बॉक्स शैडो आप इसको ये देखें, सेव करें। तो ये देखें बॉक्स शैडो आ गया। बैकग्राउंड कलर आप इसका कुछ भी ना करें तो ये चीज़ बन जाती है, ठीक है। इस कार्ड को बैकग्राउंड कलर देना है, बैकग्राउंड कलर आप इसको दे दें ब्राउन, ब्राउन। अच्छा, ये बैकग्राउंड कलर, और बैकग्राउंड कलर कौन सा अप्लाई होगा, कलर वाइट करें, वाइट हो गया ये। हम चाहते हैं कि जब भी हम कर्सर पे ओवर करें, सॉरी इस कार्ड पे ओवर करें, कर्सर लेकर आए, इसका बैकग्राउंड कलर चेंज हो जाए, पॉसिबल है। कॉलम के अंदर जो कार्ड है वो जब ओवर हो तो बैकग्राउंड कलर उसका चलें ये ले लेते हैं और सेव करें। तो ये देखें, ठीक है, लेकिन हम जैसे ही कर्सर लेके जा रहे हैं साथ ही वो अप्लाई हो रहा है, हम ट्रांजिशन लगा लेते हैं, ठीक है, ट्रांजिशन ऑल, वन सेकंड, सेव करें। तो ये देखें, ठीक है, ये वन सेकंड ज़्यादा है, आप इसको 0.5 कर दें। तो ये देखें स्टाइल है, इसमें ऑल का मतलब है जिस तरह से स्पीड से ये इफ़ेक्ट पड़ रहा है उसी स्पीड से ये इफ़ेक्ट ख़त्म भी हो रहा है,
इसमें होता है लीनियर, आप ट्रांजिशन पढ़ेंगे CSS ट्रांजिशन, ट्रांजिशन ट्रांजिशन डिले ड्यूरेशन प्रॉपर्टी टाइमिंग फंक्शन, ठीक है इसको पढ़ लीजिएगा, ये बहुत काम आ जाती है। ट्रांजिशन विथ के सिर्फ विथ चेंज हो उसकी, ठीक है चेंज सेवरल प्रॉपर्टी वैल्यूज, विथ 2 सेकंड में चेंज हो और हाइट 4 सेकंड में चेंज हो। डिव हम देखें, हम कह रहे हैं कि विथ 100 पिक्सल्स है और हाइट भी 100 पिक्सल्स है, डिव आवर करने पे विथ कितनी हो जाए 300 और हाइट भी 300, लेकिन ट्रांजिशन में हम कह रहे हैं कि विथ जो है वो 2 सेकंड में और हाइट जो है वो 4 सेकंड में। तो अब देखें जब आप करेंगे तो ठीक है, हाइट बाद में, उसी तरह इफेक्ट भी कम भी उस तरह पार्ट है। जी क्लियर है, कोई सवाल हो किसी का? ये मीडिया क्वेरीज आपकी, अच्छा ये मतलब हमारा रह गया कॉलम्स वाला। ओके जी, कॉलम कार्ड, कॉलम की विथ कितनी है 33.33%। अब हम कहते हैं कि जब मैक्स विथ है आपकी 992 पिक्सल्स हो, मीन्स के मीडियम स्क्रीन आ जाए, तो कॉलम की विथ कर दो 50%, ठीक है 33.33%, और जैसे ही मीडियम स्क्रीन्स में आए तो कॉलम की विथ 50%, और जैसे ही स्मॉल स्क्रीन में आए तो कॉलम की विथ आप करते 100%। सेव करें, अपनी वेबसाइट में आए, मीडियम में आए तो दो कॉलम आ गए, और आपका फुटर क्लियर, और जैसे ही आप स्मॉल स्क्रीन में आएंगे तो विथ आपकी 100% हो जाएगी। तो इस तरह ये इफेक्ट होता है। जी अगर तीसरे को सेंटर में लेकर आना आपने तो कॉलम कॉलम के ऊपर कंटेनर है स्टाइल टेक्स्ट अलाइन सेंटर करते हैं, टेक्स्ट लाइन सेंटर ये आपका इस तरह फ्लेक्स बॉक्स की मदद से पॉसिबल है, वैसे भी पॉसिबल है, लेकिन इससे कॉलम के ऊपर भी आप एक एलिमेंट लेंगे, फिर कंटेनर के बाद कॉलम के ऊपर, मींस के कॉलम का पेरेंट कोई और बनेगा और उसका पेरेंट भी कंटेनर बनेगा, फिर कंटेनर को सेंटर में, जी कंटेनर को सेंटर में करेंगे तब भी पॉसिबल है, रो को करेंगे तब भी पॉसिबल, लेकिन फ्लेक्स बॉक्स की मदद से बहुत ईजी हो जाता है ये काम आपका। मार्जिन दिया हुआ है हमने, नहीं पैडिंग
क्योंकि कार्ड है ना, कार्ड का पेरेंट क्या है? कॉलम नहीं, कार्ड का पेरेंट कॉलम कॉलम है ना, कॉलम को हमने पैडिंग दिया, ठीक है। कॉलम आपका यहाँ तक है, ठीक है जी। मैं बताता हूँ, कॉलम की विथ हमने कितनी रखी है? 33.33% हर स्क्रीन में यही रहेगी। मैक्स विथ में आके जब ज़्यादा से ज़्यादा विथ हो 992 पिक्सल्स, तो कॉलम की विथ कितनी हो जाए? 50%। मींस के 601 से लेकर 992 तक कॉलम की विथ हो जाएगी 50%। और मैक्सिमम विथ 600 पिक्सल, मींस के 1 से लेकर 600 पिक्सल तक विथ कितनी रहे? 361 हमने वहाँ पे अप्लाई नहीं ना किया अभी तक कॉलम। 50% अपनी जो 33.33% लिया उसका 50% लेगा? नहीं नहीं, 100% का स्क्रीन का ना, क्योंकि उसके पेरेंट की विथ जो है वो 100% है, उसको लेगा विथ 33.33%। जैसे 601 से लेकर 992 तक आएगा वो कॉलम 50%। इसमें देखें कॉलम को नहीं हम छेड़ रहे हैं, तो इसका यही मतलब है कि 1 पिक्सल से लेकर 600 पिक्सल तक, अगर आप यहाँ पे भी कॉलम इसकी विथ आप करते हैं 50%, इसको यहाँ पे दोबारा कर दें, ठीक है। तो अब मतलब है कि 361 पिक्सल से लेकर 600 पिक्सल तक जी, अगर आप इसको स्किप कर देंगे तो अब मतलब है कि 1 पिक्सल से लेकर 600 पिक्सल तक तो विथ इसकी 100%। मीन के मोबाइल व्यू में अब 100% है, मीडियम स्क्रीन्स में 50% है, और लार्ज स्क्रीन्स में ये 33%, ठीक है। आपकी रिस्पॉन्सिव वेबसाइट जो है वो देखी जाती है मोबाइल व्यू से, स्टार्ट की जाती है। आप लोग नेक्स्ट वीक इंशाल्लाह बूटस्ट्रैप करेंगे, तो बूटस्ट्रैप का भी जो है ना, सबसे पहले स्मॉल स्क्रीन से, एक्स्ट्रा स्मॉल स्क्रीन से, एक्स्ट्रा स्मॉल, देन स्मॉल, मीडियम, लार्ज, एक्स्ट्रा लार्ज और एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा लार्ज, सिक्स स्क्रीन्स विथ पे हम उसको डिवाइड करते हैं, कन्वर्ट करते हैं। इसके छह तरह की डिवाइसेस पे हम उसकी स्टाइलिंग कर रहे होते हैं, और वो होती सारी क्लास की मदद से हैं, बनी बनाई क्लासेज हैं, हमने उसको यूज़ करना है और आपकी स्टाइलिंग होती जाएगी, मतलब बहुत चीज़ आसान हो जाएगी। अब ये चीज़ वहाँ पे बूटस्ट्रैप में हो रही होगी, ठीक है। अगर हम ये मीडिया क्वेरी नहीं करते, आप लोगों को समझ नहीं आनी थी कि क्यों हो रही है और कैसे हो रही है, ठीक है। अब आपको पता लग गया कि ये किस तरह काम कर रही है, तो अब क्लासेस यूज़ करना आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। वैसे भी अगर कस्टमाइज करना होगा तो हमें आता होगा जी, लेकिन उसमें इन चीज़ों को कस्टमाइज़ नहीं किया जाता है, ठीक है। सिर्फ रो कॉलम वगैरह हो गए ना, इनको नहीं छेड़ा जाता है। आप बटन का कलर वगैरह इस तरह की चीज़ों को आप छेड़ सकते हैं। रो कॉलम रो आपका यहाँ से स्टार्ट होता है, मींस के डिपेंड करता है कि कहाँ पे यूज़ कर रहे हैं, वो बूटस्ट्रैप का कॉन्सेप्ट है, तो बूटस्ट्रैप में हम करेंगे रो और कॉलम। यही अगर आप कंटेनर विद कर दें 70% मार्जिन ऑटो आपका जाएगा, ठीक है। और अब आप स्मॉल स्क्रीन में जाए, दिए ये स्मॉल में आपका, ठीक है सर। अब वो जो है 360 चेंज होने का, वो ये कंटेनर के अंदर वाली विड्थ लेगा या ओवरऑल लेगा? कंटेनर अपने पेरेंट के लिए है ना, कॉलम का पेरेंट कंटेनर है, तो परसेंटेज वो उस पर डिपेंड करता है जी। क्लियर है? यस सर। कोई सवाल? एनीवन? वो आपने नेक्स्ट लेक्चर में देखना है, फ्लैक्स बॉक्स आपका टॉपिक। फ्लैक्स पहले ना लेआउट, साइलेंस प्लेट,
आपकी वेबसाइट का लेआउट जो है पहले डिज़ाइन किया जाता था टेबल की मदद से। टेबल हमने देख लिया ना, आपको तीन चाहिए होते थे, आप एक रो बनाते थे उसमें तीन सेल दे लेते थे तो आप उसमें स्टाइलिंग करने लग जाते थे। टेबल के बाद कॉन्सेप्ट आ गया फ्लोट का कि फ्लोट लेफ्ट और राइट की मदद से जिस तरह हम ये कर रहे हैं आप इसकी मदद से कर सकते हैं। उसके बाद आ गया फ्लैक्स बॉक्स, फ्लैक्स बॉक्स की मदद से आपकी कह लें ज़िंदगी आसान हो गई है, बहुत ईजी हो गया है। उसके बाद भी अब ग्रिड आ चुका है, ठीक है, ग्रिड भी, ग्रिड और फ्लैक्स बॉक्स, जिसको फ्लैक्स बॉक्स आ जाए उसको ग्रिड यूज़ करना समझना मुश्किल नहीं है। हम फ्लैक्स बॉक्स पे स्टिक इस वजह से रहेंगे क्योंकि आपका काम बहुत आसान रहेगा और मोबाइल एप्लीकेशन जो हमने बनानी है उसमें भी फ्लैक्स बॉक्स यूज़ होता है, ठीक है। तो इस वजह से फ्लैक्स बॉक्स ज़रूरी भी बहुत है, आपकी बूट स्ट्रैप जो है वो भी फ्लैक्स बॉक्स पे बेस्ड है, तो इस वजह से हम फ्लैक्स बॉक्स ग्रिड भी करवाएंगे जी, ग्रिड नहीं, ज़रूरत नहीं ना पड़ेगी हमें। वो ग्रिड और है, ग्रिड जो मैं बता रहा हूँ ना आपको वो जिस तरह फ्लैक्स बॉक्स है उसी तरह ग्रिड भी एक टॉपिक आ गया आपका फ्लैक्स बॉक्स की जगह जी। और कोई सवाल एनीवन? ये आपकी मीडिया क्यूरी सी सिंपल कि आप अपनी वेबसाइट को इस तरह रिस्पॉन्सिव बना सकते हैं और आपका लेआउट भी ठीक रहता है। वो हम रिएक्ट में करेंगे इंशाल्लाह, रिएक्ट में जी। वो व्हाट्सएप नहीं, रिएक्ट में करेंगे। ये कह रहे हैं कि इसमें ये सैनमा वाला पर्दा जो है, नहीं नहीं ये चीज़, ये जो पर्दा जो साइड पे हो जाता है वो कैसे होगा सर? ये राइट पे और वो लेफ्ट पे, इसका वो कह रहे हैं ये जो लोडिंग का सर्कल आता है ये भी ये जो चीज़ है ना, ये स्लाइडर वगैरह ये सारी चीज़ें, ये सारी चीज़ें पॉसिबल हैं जावास्क्रिप्ट की मदद से, सिर्फ सीएसएस से पॉसिबल नहीं है, लेकिन ये सारी चीज़ें आपको बूटस्ट्रैप में मिल जाएंगी। नेक्स्ट वीक मंडे को आपका बूटस्ट्रैप ही स्टार्ट होगा इंशाल्लाह। वीडियो पे इमेज लगानी हो, उसका थंबनेल जो होता है पोस्टर एट्रीब्यूट है, पोस्टर पोस्टर एट्रीब्यूट, और उसमें इमेज का पाथ दे देंगे आप। जब वीडियो पॉज होती है या अभी तक आप प्ले नहीं रखते हैं तो आपको वो नज़र आता है, जैसे आप वीडियो प्ले करते हैं तो थंबनेल ख़त्म हो जाता है, वीडियो स्टार्ट होती है। नहीं नहीं एलिमेंट नहीं लगाएंगे, एट्रीब्यूट है वो। अगर वीडियो प्ले करके में ये आपका सोर्स आ गया वीडियो का, यहाँ पे पोस्टर, इसमें वो बात है, इसमें आपके इमेजेस में इमेज का पाथ और सोर्स में वीडियो में वीडियोस का पाथ आ जाएगा। हाँ जी हो सकता है, नहीं लेकिन वो फर्स्ट टाइम आपको नजर आता है।